शराफत और शरारत का अनसुना कॉम्बिनेशन, यानी कि मोहम्मद रफी की एक्सेप्शनल गायकी। फिल्म दर फिल्म मोहब्बत के एक जज्बे को 100 अंदाजों में पेश करते मोहम्मद रफी साहब ने फिल्मों में रोमांटिक हीरो की डेफिनेशन ही बदल दी। मैंने जब से होश किया है तब से मैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ का दीवाना हूँ। जो उनकी आवाज़ का सोर्स था, वो ऐसी आवाज़ सुनने को आज तक मुझे तो अपने जीवन में नहीं मिली। न जाने क्यों उनके स्वर में वो खिंचाव है, वो पकड़ है, वो रस है, वो जीवन है उनके स्वर में, कि बरबसी मैं ही नहीं, संगीत प्रेमी हर आदमी उनकी तरफ खींचा चला जाता है। एक हसीन शाम को दिल मेरा हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा हो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया। शाम को दिल मेरा हो गया, मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में जिंदगी में कोई शम्मा झिल मिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा। कर्तार सिंह जी, क्या कहूँ मैं आपसे, आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। वो कुछ चीज़ें थी जो नहीं आ पा रही थी, लेकिन आपने अपने ये आइकॉन्स को समर्पित शो है, आपके आइकॉन मेरे आइकॉन हैं, और बड़े ही दमदार गवैये थे वो, और उनको आपकी तरफ से और मेरी तरफ से एक बार फिर से सलाम और शत प्रणाम। कर्तार साहब, मैं आपको बताऊँ कि मुश्किलें वही है, तो मेरी कमेंट्स वही रहेंगी हर वक्त की तरह, और आपका जवाब वही रहेगा कर्तार साहब जी। हम लोग हर रोज़ यही बात एक्सचेंज करेंगे, कर्तार साहब थोड़ा बेटर करें, आप बोलेंगे मैं अगले वक्त ज़रूर मेहनत करके वापस आऊँगा। बट एनीवे, थैंक यू कर्तार साहब। मैं इन दोनों से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगेन मैं ये कहूँगी कि आपने इन गानों को बहुत सुना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में हैं, आपके दिमाग में हैं, पर कर नहीं पा, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कर्तार सिंह जी को वोट करने के लिए टाइप कीजिए XF Space 12 और SMS कर दीजिए 5252525 पर। शुक्रिया कर्तार सिंह जी, थैंक यू।